बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाना सीखेंगे, किस तरह से हम DHCP को MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बस याद रहे कि वहाँ पे जैसे कि नॉर्मली हम .NET पे काम करते हैं, तो हम C# से हम कनेक्ट करवाते हैं SQL सर्वर, तो वो तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, और यहाँ पे तरीका ये काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है, तो दोनों को मैं समझ से कीजिएगा ताकि आसानी से काम कर सकें। सबसे पहले जैम सर्वर ओपन कर लें। यहाँ से दोनों को स्टार्ट कर दें, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से आके क्रोम ओपन करते हैं। ठीक है, और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आके सबसे पहले लोकल होस्ट लिखते हैं और अपनी पोर्ट का नाम लिखते हैं। मैंने कहा मेरी पोर्ट जो है वो 8080 है। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश आके आप यहाँ पर लिख दें PHP MyAdmin। ठीक है, ऐसा करके एंटर कर दें, तो आपको डायरेक्टली MySQL के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया MySQL का डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आप पूरा डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो भी आपने काम करना है। तो अभी सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखनी है, पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के हवाले से काम करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, डेटाबेस लिखा हुआ रहा है, ये आपके पास डेटाबेस आ रहा है। आप SQL पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें नॉर्मली आप ऐसी क्वेरी लिख सकते हो जैसे कि वहाँ पहले आप SQL में लिखते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके आप SQL लिखिए, क्वेरी लिखिए। मैंने कहा मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, और मैंने यहाँ पे नाम रख दिया एग्जाम्पल स्कूल। इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ गो पे क्लिक कर, तो ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो गया और यहाँ डेटाबेस भी आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आए दोबारा इस टेबल पे क्लिक करें, सॉरी डेटा, हाँ टेबल, डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ पे SQL पे आ जाए। अभी कोई टेबल इसमें है नहीं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप टेबल क्लिक क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आप टेबल क्रिएट किस तरह से होगा, नॉर्मली वही सिंटेक्स जो आप SQL में लिखते थे, क्रिएट टेबल, टेबल आप नाम रख दें स्टूडेंट, ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और इसमें काम करें। क्या काम करना है, सबसे पहले आप आइए STD ID इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट इस्तेमाल होता है यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, STD name एन, या खाली वर्चार कर दें, वर्चार इसकी लेंथ रख दें 40, नॉट नल। फिर आप यहाँ पे करें STD खून, ऊपर से कॉपी कर लें इसको, को पेस्ट कर दिया आपने, फोन को कम कर दें 15 कर दें। फिर नीचे आए और यहाँ लिखे हैं STD email, इसको पेस्ट कर दें और ईमेल को आप कर दें यहाँ पर 20, या चले 40 रहने दें इसको, और यहाँ से आप कर दें इसको यूनिक, क्योंकि ये यूनिक होती है। फिर STD password फिर पेस्ट कर लें इसको, और लास्ट में आके आप लिख दीजिए यहाँ पर STD user name और इसको भी पेस्ट कर। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ से आप आइए और इसको एग्जीक्यूट कर दें। आप गो पे क्लिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास टेबल क्रिएट करने का तरीका था, सिंटेक्स है ये, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप काम करेंगे, हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब टेबल क्रिएशन के बाद आप क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं PHP के अंदर, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ Dreamweaver। यहाँ से एक PHP की फाइल लेता है, क्रिएट करा इसको, इसको मैंने सेव किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, ये
ये PHP लेक्चर्स के अंदर इस जगह पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसको सेव कर दिया। देखिए PHP के फॉर्मेट में सेव हो गई है फाइल, इसको आप पूरा रिमूव कर। अब यहाँ पे PHP आप कोड करना है, क्या करेंगे यहाँ पर आए और इस जगह पे यहाँ पर आके लिखें PHP का टैग ओपन कर दिया आपने और यहाँ पे PHP का टैग क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर काम करना है, याद रखिएगा कनेक्टिविटी के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं MySQLi_connect ऐसे, देखिए फंक्शन था खुद आ गया, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए, आपसे वो पूछ रहा है, उससे पहले आपको बताना है कि इसके सर्वर नेम क्या है। मैंने कहा लोकल होस्ट है क्योंकि अभी तो डिप्लॉय नहीं किया इसको, जब आप डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पर फिर सर्वर नेम आता है वहाँ का। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे दूसरी चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दें, जो आप बाई डिफॉल्ट करते हैं तो उसको डायरेक्टली आप रूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप रूट यूजर नेम को यूज करना एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से रूट को हटा दें। या चलिए पहला पहला लेक्चर है तो करवा सकते हैं, बाद में करेंगे तो। अच्छा, पासवर्ड हटा दें, पासवर्ड यहाँ पे देना होता है, पासवर्ड ना दें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आके अपने डेटाबेस का नाम लिखें, डेटाबेस का नाम क्या है आपके, मैंने नाम रखा था स्कूल, ठीक है। और यहाँ करते हैं ब्रैकेट क्लोज और लगाते हैं टर्मिनेटर। अब उसके लिए क्या करेंगे कि हमने चेक कर रहा होगा इसको कि वेदर कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में भी शुड स्टोर, ठीक है। इसको एक जगह पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं, हमने इसको इस जगह पे कनेक्ट करवा लिया। कनेक्ट से मतलब ये कि हमने इसको एक जगह पे रखवा लिया। अब चेक करना है कि वेदर की हुआ भी है कि नहीं हुआ, यहाँ पर आए इफ डॉलर कनेक्ट, अगर क्या हो कि ये कनेक्ट हो चुका हो तो क्या करवा दें, ये प्रिंट करवा दें कि हाँ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखवा दीजिए डेटाबेस इज कनेक्टेड, और अगर ये ना हो तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन चलेगी एल्स की, और यहाँ पे कर दीजिए कि डेटाबेस इज नॉट कनेक्ट, ठीक है जनाब। ऐसे कर दिया आप देखें, चेक करना है इसको, सेव करते हैं, चला के देखते हैं। चलाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए या तो डायरेक्ट चला के देख लें, यहाँ से होम पे जाएं, मेरे ख्याल से जैम सर्वर क्लोज तो नहीं हुआ, चले मैं लिखवा लें, हाँ सही, वो डायरेक्ट फाइल चला, लोकल होस्ट 81/ PHP lectures / database connect t.php। अगर ये मैंने लिंक सही दिया है तो ये सही चलेगा, नहीं लिंक सही नहीं दिया, मैं काम करता हूँ वहां से जाके लेकर आया था। इसको दिस पीसी, यहाँ से सी, यहाँ से आप आए और यहाँ आपके पास आए जैम सर्वर, htdocs, PHP lectures, ये रही आपकी वाली फाइल। तो भाई इसको यहाँ से कॉपी करना है, तो कॉपी एड्रेस कर लेते हैं इसका यहाँ से, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर लें, ये एंटर किया, आउट, सॉरी मैं यहाँ पर जो पोर्ट है वो मेरी गलत है, मैंने गलत पोर्ट दी है यहाँ पर, ये थी यहाँ पर 8080, ठीक है, इस वजह से उनके वो एरर था। यहाँ से इसको आप कर दें स्लैश, ये आ गया, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जो फाइल नेम है सेव होने में सही है, ठीक है भैया। देखिए डेटाबेस क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है आपका। तो ये तरीका था कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से करवा सकते हैं। अगर ये इन केस नहीं होता, अगर मैं इसको चेक करवाऊँ आपको खाली, अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैं यहाँ पर आकर कुछ गलत कर दी, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। मैंने यहाँ पे आई क्या कर दिया, लेट सपोज कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैंने होस्ट कर दी। अब चलाते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है आपके पास कि मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा हुआ गया, नो सच होस्ट इज नोन। क्या बता रहा है आपको कि देखिए यहाँ पर क्या कि इस तरह का कुछ भी कोई डेटाबेस होता ही नहीं है, है नहीं हमारे पास, होता नहीं है का मतलब ये था कि यहाँ पर है नहीं हमारे पास, आपने गलत किया। और नीचे आगे क्या, डेटाबेस नॉट कनेक्ट। तो ये तरीका था कि आप डेटाबेस कनेक्ट कर पा सकते।